वरुथिनी एकादशी व्रत। इस व्रत में भगवान विष्णु के वारह अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हुए एकादशी का व्रत करता है और रात्रि का जागरण करता है, उसे इस लोक या परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी को रात का भोजन करने के बाद शुरू हो जाता है। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नाम के राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ साथ वह जप तप करते रहते थे, साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींचकर ले गया। तब राजा ने विष्णु भगवान की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर पहुँचे विष्णु भगवान ने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोचकर खा लिया था। इस बात का राजा को बड़ा दुख हुआ था। राजा को दुखी देखकर विष्णु भगवान ने कहा कि राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी ही पड़ेगी। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि राजन, तुम मेरी वारह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करके करो, इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों हो जाएंगे। इसके बाद राजा ने वरुथनी एकादशी का व्रत किया और उनका पैर फिर से सही हो गया। और इस प्रकार हमारी पौराणिक वरुथनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई।